बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा टीका उत्सव के साथ सदस्यता समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ विधायक संजय चौरसिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई क्षेत्रों की विशिष्ट महिलाओं को संजय जायसवाल ने पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन भी कराया है और महिला मोर्चा भी इसको अलग से एक अभियान के रूप में लेने जा रहा है कि सभी का टीकाकरण हो। नवादा जिले में कोरोना का डर लोगों को खूब सता रहा है, जिसकी वजह से वैक्सीन लेने को लेकर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। शहर से गांव तक के लोग वैक्सीन लगवाने वैक्सीनेशन सेंटर आ रहे हैं। एसडीओ के निर्देशानुसार रजौली के 5 पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर स्थलों को चिन्हित कर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। रजौली प्रखंड के ग्राम बलिया के मैं रहने वाला हूं। मेरा नाम अशोक साव है। मेरा गांव में आज कोरोना का जो इंजेक्शन का जो यहां पड़ी अच्छी शिविर रखा गया है, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और यहां के लोग जो है सब काफी उत्साह। पटना के पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के मैनपुरा स्थित एलसीटी घाट पर रविवार की सुबह खाना पकाने के दौरान सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती, तब तक आग की चपेट में आने से कई घर जलकर राख हो गए। गाड़ी की जैसे ही पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं अगलगी की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया।